जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं ए ओ क्यू ई, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें। हमने पिछले वाले वीडियो में हमने बोट स्ट्रीम एंड ट्रेन पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन को देखा था। आज हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम्स मतलब नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे सामने हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आप दोस्तों हमें समझ लेते हैं कि कॉन्जेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। आई होप कि आपको पता होगा, फिर भी जिन दोस्त को नहीं मालूम है समझ लेते हैं कि इवन नंबर एंड ऑड नंबर होते क्या हैं। इवन नंबर का मतलब होता है दोस्तों कि अगर हम उसमें 2 का भाग लगाएं तो पूरा का पूरा डिवाइड चला जाए, उसका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। तो हम उसे बोलते हैं कि ये नंबर कैसी नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। अरे ऑड नंबर का मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि जिसको हम भाग लगाएं और जिसका रिमाइंडर हमको क्या मिल जाए, 1 मिले, मतलब 0 ना मिले, 0 के अलावा कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। 0 जो ना मिले उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। एंड प्राइम नंबर होता है दोस्तों, प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर होता है कि जो इटसेल्फ डिविजिबल होता है, जिसका केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है, ठीक है। 1 एक तो वो स्वयं होता है एंड एक 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे दोस्तों तो वहाँ डिटेल में हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम्स टोटल पूरे पूरे कितने होते हैं, कैसे होते हैं, सारा डिटेल में बात किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, इसलिए हम आपसे बात करना चाहते हैं कि इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर के बारे में हम समझ लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार से आने वाले, ठीक है, लगातार से आने वाले। और आपको पता होगा दोस्तों कि एक इवन के बाद एक ऑड और एक ऑड के बाद दूसरा इवन नंबर आता है, अगर उसमें 1 को ऐड करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 3, और 3 में 1 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 4। मतलब ऑड है, उसमें ऐड किया 1 तो क्या बन गया, 4। एंड 4 में जब 1 ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। इस तरीके से सीक्वेंस चलती रहती है, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके, समझते हैं। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुज स्क्वेयर्स हैव द सम 85। बोल रहा है कि 2 मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसके, है ना, जिसके स्क्वेयर के सम, जिनका स्क्वेयर करके ऐड करने के बाद वैल्यू कितना रही, 85 आ रही, तो वो नंबर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, समझ लेते हैं इसको। देखिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी एक्स प्लस 1। मतलब समझते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है दोस्तों क्रमागत, मतलब क्रम से आने वाले, ठीक है। तो पहला नंबर हमने इसमें जो ले लिया, हमने पहला नंबर ले लिया क्या, यक्स, एंड इसकी जो क्रमागत, दैट मीन्स कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1। बहुत ध्यान समझते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार या शर्तानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से क्या है इसमें, समझते हैं। अब बोल रहा है कि इनके स्क्वेयर्स, स्क्वेयर कर दिया पहले पार्ट का, तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर, मतलब वो नंबर एंड उस नंबर का जो कॉन्जिक्यूटिव है दोनों का स्क्वेयर करके ऐड करने पर वैल्यू कितना मिल रही है अपने को, 85। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 85, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें क्या लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लगेगा वो समझते हैं, बिकॉज यहाँ दो नंबर्स हैं, दो टर्म्स हैं, पहला x और दूसरा 1। तो जब दो टर्म्स का प्लस करके होल स्क्वायर आता है तो वहाँ हमेशा क्या लगता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है। तो समझते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 85, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, 85।
एक्स स्क्वेयर और ए एक्स स्क्वेयर दोनों ऐड होके कितना हो जाएंगे, 2x² + 2x। अब दोस्तों इन दोनों को ऐड नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर कितना है 1 है एंड ए प्लस 1 है, इसके जैसा लाइट टर्म इस साइड नहीं है, इसको उधर भगाना पड़ेगा, तब जा करके 85 क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। या तो इसको इधर ले लेते हैं, प्लस 1 माइनस 85 इक्वल टू 0, सो 2x² + 2x - 84 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। आप समझते हैं दोनों इस पूरे टर्म में कितना कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है ना, कितना कॉमन है, 2 उभयनिष्ठ टर्म है, 2 कॉमन ले लेंगे बाहर निकल जाएगा। इन दोनों को गलती से भी ऐड करना है बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, एक्स है। सिमिलरली जैसे अगर हमारे पास 2 + √2 लिखा जाता है तो हम इनको क्या लिखते हैं, 4 तो नहीं लिखते ना, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या है 1 है और यहाँ पावर क्या है हाफ है, तो इनका भी एडिशन कभी नहीं होता। वही रूल अल्जेब्रा भी फॉलो करती है, वही रूल अरिथमेटिक भी फॉलो करती है, ठीक है, समझते हैं। अब यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, एक्स माइनस 42 ओके इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भागेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब ये देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, और आपको मालूम है कि 0/2 क्या होगा, 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 0/anything इक्वल टू ऑलवेज 0 ओके। मतलब 0 के बटा अगर कुछ भी है नीचे, अगर 0 ऊपर है नीचे कुछ भी नंबर होने दीजिए, उसकी वैल्यू जो होती है हमेशा क्या मिलती है आपको, 0 ही मिलती है, ठीक है। अब समझते हैं इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, आइए देखते हैं। अब इसका फैक्टर करने का मेथड आपको बताया गया है दोस्तों कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, पहला टर्म कुछ नहीं तो कितना है लिया जाएगा, वहाँ पे 1 ले लिया जाएगा, 1 × 42 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 × 42 मतलब 42 हो जाएगा ओके। एंड जब 42 का फैक्टर करेंगे दोस्तों तो आप समझ रहे हैं फैक्टर करने क्या मिलेगा ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 मिलेगा और 1 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, वो लास्ट में 1 है, या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 7 से, तो पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 × 7 = 1 ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6 × 7 = 42 एंड 7 - 6 = क्या मिलेगा, 1। लास्ट में यही लाना है ना अपने को, प्लस 1 लेकर के आना है, ठीक है। 7 - 6 इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, सो एक्स का स्क्वायर प्लस 7 - 6x - 42 इज इक्वल टू 0, सो एक्स का स्क्वायर प्लस 7x - 6x - 42 इक्वल टू 0। इसको हम इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुए हैं आप प्लेलिस्ट में जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे अलजेब्रा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दो दो का क्या बनेगा, पेयर बन जाए, क्या बनेगा, दो दो का पेयरिंग कर लिया जाएगा। अब इन दोनों पेयर में से देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों पेयर में से देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है दोनों में, इसमें भी x है और इसमें भी क्या है, x है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे x स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा है तो कम दे सकता है और कम है ज़्यादा नहीं दे पाएगा, ठीक है, समझते हैं इसको। सो x x प्लस 7 x x को मारेगा, एक x बचेगा, ये वाला x इस वाले x को मार देगा, ख़त्म हो जाएगा माइनस। अब देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ x है, यहाँ पे x है क्या, नहीं है ना, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है, बिकॉज 6 का डिवाइड 6 में भी जाएगा और 6 का डिवाइड 42 में भी जाएगा, बिकॉज जब 6 का टेबल पढ़िएगा तो आपको 42 भी मिलता है ना वहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स मान ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 को मारेगा, माइनस माइनस प्लस 42/6 करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 7 = 0 हो जाएगा, x + 7 x + 7 बहुत बढ़िया आंसर, एकदम करेक्ट आ रहा है, बहुत बेहतरीन ओके इक्वल टू 0। देखिए x + 7 x + 7 बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, x - 6 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन लगा देंगे, इफ़ x + 7 = 0 दिस इम्प्लाई दैट x = -7 ओके, इफ x - 6 = 0 दिस इम्प्लाई दैट x = 6 इस नंबर को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टेड, ठीक है।
तो पहला जो नंबर होगा वो क्या हो गया, एक्स की वैल्यू कितना मिल गई आपको, फर्स्ट नंबर एक्स इक्वल टू कितना 6, एंड सेकेंड कॉन्जिकेटिव नंबर नंबर एक्स प्लस वन इक्वल टू 6 + 1 मतलब 7, हेंस नंबर्स आर 6 and 7। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ये भी देख रहे हैं कि ये कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एंड जो हमारा कंडीशन, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया है वो हम चेक कर सकते हैं। कैसे बोल रहा है कि जो नंबर्स का स्क्वेयर का सम है वो कितना रहा है 85। तो टू चेक आंसर कैसे चेक करेंगे, ठीक है अब समझते हैं। 6 का स्क्वेयर कर देंगे प्लस 7 का स्क्वेयर कर देंगे, देखते हैं 85 आ रहा है क्या। 6 का स्क्वेयर 36 प्लस 49 इक्वल टू 85, 36 प्लस 49 85 इक्वल टू 85, मतलब कहने का क्या मतलब मिला कि आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप का आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे इसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद आपको नोट करने का टाइम दे देंगे, ठीक है। बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन जो है, 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ ए कैमल्स वॉज सीन इन द फॉरेस्ट ट्वाइस द स्क्वेयर रूट ऑफ द हर्ड, है ना, हैड गॉन टू माउंटेन्स एंड द रिमेन्स 15 कैमल्स वेयर सीन ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स। ओके एक क्वेश्चन है इसको, इसके बाद हम आने वाला है, ठीक है। ओके आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों उसका रेडी हो गए होंगे। आपको कोई भी स्टेटमेंट बोलेगा, कोई भी स्टेटमेंट बोलता है जो उसका आंसर आ रहा है उसको देख पहले हम चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका सेटिस्फाइड कराने का जो मेथड यही है कि आप यहाँ पे जो नंबर्स मिले हैं ना दोस्तों उनका क्या करिए, 6 और 7 मिले हैं ना, तो क्वेश्चन भी तो वही बोल रहा है कि इनके स्क्वेयर का जो सम है वो कितना रहा है 85 आ रहा है। तो हमको जो पहला नंबर मिला था वो क्या मिला था, 6 मिला था, दूसरा नंबर क्या मिला 7 मिला, तो 6 का स्क्वेयर 36 एंड 7 का स्क्वेयर 49 एंड 36 प्लस 49 को ऐड कर दिया क्या मिला 85 मिल गया, मतलब वही स्टेटमेंट बोल रहा था। तो कहने का मतलब हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है, ठीक है। ओके दोस्तों देखते हैं ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सब को करने के बाद, देखते हैं। बोल रहा है 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ कैमल्स वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, बोल रहा है कि कोई कैमल्स मतलब ऊँट का कोई झुंड है उसमें से जो 1/4 है मतलब 1/4 भाग किसी जंगल में देखे जाते हैं, ठीक है। ट्वाइस द स्क्वेयर रूट, है ना, ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो उसमें से और भी लोग थे ऊँटों में के जो झुंड था, ऊँटों के झुंड में से जो मतलब 1/4 1/4 भाग जो था वो कहाँ पे देखा गया, जंगलों में देखा गया, एंड कहाँ पे माउंटेन पे कितने चले गए, मतलब जो जितने नंबर ऑफ मतलब जो ऊँट थे उनका 2 twice एंड स्क्वेयर रूट, मतलब अगर हम टोटल ऊट्स को मतलब टोटल नंबर ऑफ कैमल्स अगर हम एक्स कंसीडर कर ले तो हमें बोल सकते हैं कि जो इनका 2√x वाला जो पार्ट है वो कहाँ चला गया, माउंटेन पे क्यों चले गए होंगे, कोई बढ़िया ऊँट नहीं देख लिए होंगे, उधर चल दिए होंगे सब लोग, ठीक है, क्या बोलते हो, ठीक है समझते हैं इसको। एंड द रिमेनिंग, और 15 जो थे, जो बचे हुए 15 शेष थे वो कहाँ पे हैं, 15 कैमल्स वेयर सीन ऑन द बैंक ऑफ रिवर, वो लोग नदी किनारे बैठ के जुगाली कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, अब बोल रहा है कि टोटल कितने ऊँट थे उस झुंड में, उन ऊँटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है समझते दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो ऊँट थे ना
मतलब कैमल्स जो थे वो कितने टोटल थे, हमने मान लिया कि यक्स कैमल्स थे, ठीक है। अब एक कैमल तीन पार्ट में भागे, कितने पार्ट में भागे हैं, तीन पार्ट में भाग गए हैं। पहला पार्ट कहाँ पे गया है, फॉरेस्ट में गया है। दूसरा पार्ट कहाँ पे गया है, माउंटेन पे गया है। एंड जो तीसरा पार्ट था वो कहाँ पे गया है, नदी के किनारे चला गया है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान समझते हैं, ओके। अब देखते हैं क्या होगा इसके आगे। लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स मतलब कुल ऊँटों की संख्या बराबर एक्स ले लिया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार या शर्तानुसार हम बोल सकते हैं इसमें, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या गिवन है, बोल रहा है कि 1/4 मतलब उसका जो एक चौथाई भाग था कहाँ पर चला गया है, जंगल में चला गया है, ठीक है। द कैमल्स, द नंबर ऑफ कैमल्स, द नंबर ऑफ कैमल्स इन फॉरेस्ट इक्वल टू कितना, एक्स अपॉन 4, ठीक है। और द नंबर ऑफ, ये टोन लिखते रहेंगे, द नंबर ऑफ कैमल्स इन गॉन टू एट माउंटेन क्या बोल रहा है इसका, ट्वाइस मतलब दुगुना, स्क्वेयर रूट मतलब रूट एक्स, मतलब समझ रहे हैं। एंड द नंबर ऑफ कैमल्स है ना, वेयर सीन है ना, ऑन द बैंक ऑफ रिवर कितने नदी किनारे खड़े हुए हैं 15 ऊँट जो हैं वो नदी किनारे खड़े होकर जुगाली कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं वो लोग। एंड जो 2√x ऊँट थे वो चले गए पहाड़ घूमने, पर्वत पे घूमने चले गए हैं। एंड जो एक्स अपॉन 4th पार्ट है वो जंगल में मंगल कर रहे हैं अपना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको हम लोगों को ये बताना है दोस्तों कि एक कितने लोग थे इसके गैंग में टोटल, ठीक है, समझते हैं, मतलब ऊँट टोटल कितने थे, ठीक है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे एक मोटी मोटा लेखा मान लिया है कि नंबर ऑफ जो कैमल्स थे दोस्तों कितना है, यक्स हैं, ठीक है। तो यही यक्स वाले पार्ट ही तो तीनों पार्ट में डिवाइड हुए होंगे ना, ठीक है। तो मतलब इन तीनों को ऐड करके इक्वल टू यक्स तो लिख सकते हैं हम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, समझते हैं बहुत ध्यान से, यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स अपॉन 4 प्लस 2√x प्लस 15। यही यक्स जो है ये तीन पार्ट में बट गया है, तो हम यक्स इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, ओके। अब इस 4 का क्या कीजिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, ठीक है। इस 4 का क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और जिसके नीचे है उसके ऊपर मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। या तो ऐसा समझिए कि फ्रैक्शन है, इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद फिर इधर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उधर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर लंबा चौड़ा प्रोसेस करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और जिसके नीचे है, ठीक है, उसके ऊपर मल्टीप्लाई मत कीजिए, बाकी सब जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, ठीक है। इसका इलाज यही है। तो क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू एक्स प्लस 4√x प्लस 60, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, या तो आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। खैर अब समझते इसको, 4x माइनस एक्स माइनस 8√x माइनस 60 इक्वल टू 0, इसका दायां पक्ष क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसको बनाएंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4x माइनस एक्स है, कितना है 4x माइनस एक्स, मतलब समझ में आ रहा है, 4x में से एक्स जाएगा क्या मिलेगा, 3x मिल जाएगा, तो 3x लिख देंगे। माइनस 8√x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस खिंच जाएगा दोस्तों। तो इसका एक आइडिया है,
हम एक्स इक्वल टू क्या लेट कर लें, पी स्क्वेयर पुट कर लें, क्या पुट कर लें, एक्स इक्वल टू पी स्क्वेयर पुट कर लेते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको। पुटिंग एक्स इक्वल टू पी स्क्वेयर इन वन, इसको वन ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, हम वन ले लेते हैं, समझते हैं इसको क्या मिलेगा। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताइए, एक्स की वैल्यू क्या है पी स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा थ्री पी स्क्वेयर इसको इन वन, इसको क्वेश्चन नंबर टू ले लेते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू जो पी स्क्वेयर हमने माना है उसको हमने क्वेश्चन नंबर दो मतलब समीकरण नंबर दो नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा बताइए, ए रिड्यूस हो जाएगा किस में, पी के टर्म में, किसके टर्म में, पी के टर्म में, वही पी की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, समझते हैं। अब ये थ्री पी स्क्वेयर हो जाएगा माइनस, अब ये कितना है एट, एट लिख दिया, रूट एक्स का मतलब समझ रहे हैं, रूट एक्स का मतलब पी हो जाए, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर इसका स्क्वेयर हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, रूट ही आ जाएगा ना, तो पी स्क्वेयर से जब स्क्वेयर हटाइएगा तो पी बचेगा और वहाँ पे जाकर उससे उल्टे साइड में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो मतलब जहाँ रूट एक्स है वहाँ पी लिख देंगे, माइनस सिक्सटी इक्वल टू जीरो, ओके। अब समझते हैं इसको, अब यहाँ पहला टर्म कितना है हमारा थ्री एंड लास्ट टर्म कितना है, यहाँ थोड़ा रफ वर्क कर लेते दोस्तों, थ्री इंटू सिक्सटी मतलब 180, ठीक है। अब 180 का क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, लास्ट में जीरो है तो टू से डिवाइड कर लेंगे 90 हो जाएगा, फिर लास्ट में जीरो है तो 45 हो गया, लास्ट में 5 आया तो 3 या 5, 3 से डिवाइड कर लेते तो 1 मिलेगा एंड 5 मिलेगा, ओके। लास्ट में 5 आया फिर भी हम कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से, तो 5 जा मिल जाएगा एंड 5 आ गया, ठीक है। इसका फैक्टर मिल गया अपने को, अब इसके फैक्टर को दो पार्ट में इस तरीके से एडजस्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे वो तो 180 आ ही जाएगा, लेकिन माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस करने पे 8 आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लास्ट टर्म के सामने साइन कौन सा है, माइनस का है, तो सब्सट्रैक्ट करने मतलब घटाने पर हमको माइनस 8 आना चाहिए। तो समझते हैं कैसे इसको एडजस्ट किया जाएगा, देखिए 2 जा 4, 4 है ना, 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, तो नहीं एडजस्ट हो रहा है इसको, तो एडजस्ट करना, एडजस्ट तो किया ही जाएगा कैसे न कैसे इसको, ठीक है। 2 जा 4, 4 5 जा 20, ओके, समझते हैं इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। देखिए 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है, एंड 5 2 जा 10, तो 180 मिलेगा एंड 18 माइनस 10 क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ चलेंगे 3 पी स्क्वेयर माइनस है ना 18 माइनस ओके 10 पी माइनस 60 इक्वल टू ज़ीरो, ओके। आप समझते हैं 3 पी स्क्वेयर माइनस 18 पी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 पी माइनस 60 इक्वल टू ज़ीरो, ओके। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, 3 पीस, अब देखिए दो दो का क्या बना देंगे, जोड़ा बना दिया जाएगा, पेयरिंग कर दिया जाएगा। अब समझते हैं जैसे पिछले वाले सब में किए थे, सिमिलरली हम भी यहाँ पर भी वैसे होने वाला है। यहाँ पर 3p कॉमन हो जाएगा, 3p कॉमन होगा तो 3p को मारेगा, 1p बचेगा माइनस 3 का मतलब 18p डिवाइड बाय 3p, pp को मार देगा 18 डिवाइड बाय 3 मतलब 6 हो जाएगा, प्लस 10 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 को मारेगा p बचेगा और 10 का डिवाइड 60 में जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, p माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 3p प्लस 10 इक्वल टू 0 बचेगा, कंडीशन लगा दिया जाएगा ई पी माइनस 6 इक्वल टू 0 तो p इक्वल टू 6, ओके। इफ़ 3p प्लस 10 इक्वल टू 0 तो 3p इक्वल टू माइनस 10 तो p इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3, ये तो नेगलेक्टिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगलेक्टेड, बिकॉज जो नंबर ऑफ कैमल्स हो गए वो फ्रैक्शन में कैसे आ सकते हैं, उनको डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, वो कोई इंटीजर आएगा, तो यहाँ पे माइनस 10 अपॉन 3 मतलब 3.33 आएगा, तो कोई ऊँट जो होगा वो आधा थोड़ी हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ जो कैमल्स होंगे वो तो पूरा का पूरा होंगे, तो उस सेंस से इसको हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं इसके आगे, अब पी की वैल्यू क्या मिली है आपको, 6 मिली है, तो अब यही पी की वैल्यू आप कहाँ पुट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नंबर ऑफ कैमल्स चाहिए,
मतलब ऊँटों की संख्या चाहिए। पुटिंग पी इक्वल टू 6 इंटू बी गेट एक्स इक्वल टू क्या था पी स्क्वेयर, तो इम्प्लाई क्या करेगा एक्स इक्वल टू 6 का स्क्वेयर मतलब एक्स इक्वल टू 36। मतलब कितने कुल ऊँट थे, कितने ऊँट थे टोटल, टोटल ऊँटों की संख्या कितनी थी 36, मतलब समझ में आ रहा 36 ऊँट, कितने ऊँट 36 ऊँट टोटल थे। ठीक है समझते हैं। ओके हैंस द टोटल कैमल्स इन हर्ड इज एक्स इक्वल टू 36। दिस इज द फाइनल आंसर। दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ करके बहुत मज़ा आया होगा एंड आप इसको समझ चुके होंगे। अगर किसी अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन की कुछ भी डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा, हम आपके कमेंट में जो आए हुए क्वेश्चन होंगे उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे हम। ठीक है आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे एंड आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। ओके ओके आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर के रेडी हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं इसी लेवल के कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते इसी ट्यूनिंग पे बेजान और भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं, बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों। ठीक है आइए देखते हैं और एक मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि आपने देखा कि कैमल्स के बारे में आपने सीखा, उसी से कुछ मिलता जुलता स्टेटमेंट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ कैमल के जगह पर थोड़े से स्वान हैं। ठीक है थोड़े क्या पूरे पूरे स्वान ही हैं। ठीक है हंस जिसको बोलते हैं। ओ गर्ल, कोई ग्रुप है गर्ल का, ओ ग्रुप ऑफ गर्ल है, गर्ल आउट ऑफ स्वान्स। ठीक है 7/2 टाइम्स द स्क्वेयर ऑफ, ठीक है ओ गर्ल आउट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है मतलब कोई ओ गर्ल की ग्रुप है बाहर जाते हैं। ठीक है ऑफ स्वान्स, ठीक है 7/2 टाइम्स द स्क्वेयर रूट ऑफ द नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर, ठीक है ऑफ ए टैंक। ठीक है बता रहा है कि जो इसमें ओ गर्ल का है, ओ गर्ल ग्रुप है कोई बाहर जाते हैं। ठीक है उसमें से जो स्वान का ग्रुप है उसमें से 7/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, मतलब 7/2 रूट एक्स। ठीक है सिंपली पहला स्टेटमेंट हो गया। द टू रिमेनिंग वंस आर प्लेइंग है ना विद एमआरएस फाइट इन द वाटर, और दो क्या कर रहे हैं वाटर में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। ओके व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स, मतलब बोल रहा है कि टोटल हंस कितने हैं ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है समझते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्वान इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, और क्या लिखेंगे नंबर ऑफ स्वान्स प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द टैंक, नंबर ऑफ स्वान प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ ए टैंक, मतलब कोई टैंक है टैंक के छोर पर, टैंक है कोई ठीक है उसके छोर पे किनारे पर। ठीक है क्या कर रहे हैं कितने हैं टोटल 7/2 टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट हो गया है, एंड टू आर रिमेनिंग फाइट है ना फाइट इन वाटर। सो टोटल नंबर ऑफ स्वान कितने आपके पास एक्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से x इक्वल टू कितना होगा 7/2
रूट एक्स प्लस टू, यही टोटल है। इतने तो क्या कर रहे हैं, टैंक के छोर पे खेल रहे हैं, ओके। एंड दो जो हैं वो क्या है, पानी में लड़ रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं इसको। आपको भी पिछले वाला क्वेश्चन में हमने बताया कि जो यहाँ पे नंबर से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई, ध्यान ये देना जिसके नीचे उसके ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। सो सेवन रूट एक्स प्लस फोर, ठीक है, ओके। एंड हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे उसको सॉल्व किया गया था सिमिलरली इसको भी सॉल्व किया जाएगा। टू एक्स माइनस सेवन रूट एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू क्या बचेगा, जीरो। जब ऐसे कोई इक्वेशन आपके सामने पड़े, विषम संकट पड़ जाए, तो आप इस मेथड को याद कर दीजिएगा, आपका नैया पार हो जाएगा, ठीक है। समझते हैं, ऐसे रूट आ जाते हैं तो दोस्त, बहुत सारे दोस्त घबरा जाते हैं, अरे तो रूट आ गया अब क्या किया जाए, तो आप इस मेथड को याद कर लीजिएगा, आपके पूरे के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग, यहाँ पुटिंग कर लेंगे, इसको वन ले लेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू पी स्क्वेयर इसको इन वन, इसको इक्वेशन नंबर टू ले लेंगे, तो टू पी स्क्वेयर माइनस सेवन पी प्लस फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, फोर इंटू टू क्या हो जाएगा, एट, ओके ओके। टू पी स्क्वेयर माइनस सेवन पी प्लस फोर इक्वल टू जीरो, समझते हैं इसको क्या हो जाएगा। टू पी का स्क्वेयर, देखिए फोर इंटू टू क्या हो जाएगा, एट, एट का फैक्टर ऐसा कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, एट मिले, ठीक है। एंड माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है, बिकॉज इधर प्लस में था ना, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस करने पे क्या आ जाए, सेवन, तो बहुत सिंपल, एट वन जाए एट, एट माइनस वन सेवन हो जाएगा, ठीक है। इसका तो जुगाड़ तुरंत बन गया, ओके। सो टू पी स्क्वेयर माइनस एट माइनस वन पी माइनस फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो टू पी स्क्वेयर माइनस एट पी माइनस माइनस प्लस पी, ठीक है, वन लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टूड होता है। सो इसमें से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, पी पी, पी पी की टू पी, टोपी कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा, पी माइनस फोर बचेगा, ठीक है। समझिए, इसका डिवाइड इसमें होगा तो टू टू को मारेगा, एक पी को मारेगा, एक पी बचेगा माइनस, है ना, ए पी पी को मारेगा, एट अपॉन टू दैट मीन्स फोर बचेगा, प्लस यहाँ कुछ कॉमन है, तो जहाँ कॉमन कुछ है तो वहाँ कॉमन क्या लेते हैं, हम हमेशा वन होता है, क्या होता है, वन, चूँकि वन ही एक ऐसा नंबर है बेचारा ना, इसका डिवाइड कर दो तो बुरा नहीं मानता, ठीक है। सो वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन, सो पी माइनस वन इक्वल टू जीरो, पी माइनस फोर पी माइनस फोर, एंड टू पी प्लस वन इक्वल टू जीरो इफ पी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई दैट पी इक्वल टू फोर, ओके। आप ये पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इफ टू पी प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो टू पी इक्वल टू माइनस वन, पी इक्वल टू माइनस वन बाई टू, क्या करें इसको, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड, बिकॉज कोई भी हंस होगा ना तो आधा नहीं होगा, हाफ नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसा नेग्लेक्ट किया जाएगा, ओके ओके। सो पी इक्वल टू क्या मिला, माइनस वन अपॉइंट टू, मतलब वन अपॉइंट टू मतलब हाफ है, तो कोई हंस आधा तो होगा नहीं, पूरा का पूरा होगा, इसलिए यहाँ पे जो हाफ होगा उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और पी इक्वल टू फोर को ले लिया जाएगा। एक्सेप्टेबल कौन सा है, पी इक्वल टू फोर, यही पॉसिबल वैल्यू है। एंड पी की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमने माना क्या है, यक्स नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ स्वान इक्वल टू हमने क्या माना, एक्स, हमको तो पी की वैल्यू मिली है, एक्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से मिल जाएगी। पुटिंग, पुटिंग एक्स इक्वल टू फोर इन टू वी गेट, वी गेट, सो एक्स इक्वल टू फोर का स्क्वेयर, इसका मतलब क्या, एक्स इक्वल टू फोर का स्क्वेयर मतलब सिक्सटीन, हैंस नंबर ऑफ, हैंस द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स एक्स इक्वल टू सिक्सटीन, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
ओके, आई होप कि आप इसको नोट या कर चुके होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके का आज का जो लेक्चर था इस तरीके से ख़त्म होता है, ठीक है। एंड इस तरीके के क्वेश्चन से आपको किसी भी तरीके का डाउट है या आप इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, हाँ तो हमें ये उम्मीद है कि अब आपको इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन थे सब आरडी शर्मा से जो सॉल्व एग्जांपल थे हमने उसको ही आपको कवर कराया, समझाने की पूरी कोशिश किया गया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो आरडी शर्मा की जो प्रैक्टिस वाली सेट है उसको हम सॉल्व करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। आरडी शर्मा के अदर बुक का भी कंपोजिशन हम लेकर के आपके सामने आएंगे एंड समझेंगे इस टाइप क्वेश्चन को किस तरीके से क्रैक किया जाता है। इसमें दो क्वेश्चन सॉल्व थे और एक क्वेश्चन अनसॉल्व था, ठीक है। और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।